हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। द टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑपरेशन ऑन लैंग्वेज। बेटा, इन दिस लेक्चर हम लोग चार डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हमने पढ़ी थी इन चुमिस्की क्लासिफिकेशन में। तो क्या था बेटा उसमें लैंग्वेज? टाइप जीरो, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड That is regular language. Clear? ये चार टाइप की आप लोगों ने लैंग्वेज पढ़ी थी। अब क्या है बेटा, इसमें हम लोग मान लें कि मान लो हमने दो स्ट्रिंग लिए ए और बी, अगर उसकी कॉन्कैटिनेशन को शो करना तो दैट इज शोन बाई ए इंटू बी। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ रहा है कि जितनी भी क्लास है हमारी, कौन कौन सी क्लास? टाइप जीरो, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, टाइप वन, टाइप टू दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और टाइप थ्री दैट इज रेगुलर लैंग्वेज, ये तीनों की तीनों क्लोज होती है अंडर द यूनियन। यूनियन का मतलब समझते हो ना, द वैल्यू जितने भी एलिमेंट्स हैं एक सेट के कंबाइन किए जाएंगे विद द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट विदाउट एनी रेपिटेशन। क्लियर? सेकेंड क्या कह रहे हैं कि जो क्लास है, जो हमारी लैंग्वेज टाइप जीरो लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज जो है वो क्लोज होती है अंडर द कॉन्कैटिनेशन। क्लियर? फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा था लैंग्वेज का? कि लैंग्वेज जो ये चारों लैंग्वेज है दीज आर क्लोज अंडर यूनियन। सेकंड क्या कहती है, ये चारों लैंग्वेज इज क्लोज अंडर द कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? द थर्ड कहते हैं ये चारों की चारों लैंग्वेज कौन कौन सी? टाइप जीरो, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड रेगुलर लैंग्वेज, ये ट्रांसपोज जो ऑपरेशन है उसके अंडर भी क्लोज होंगी। तो बेटा क्या अभी तक मैंने करवाया आपको, ये चारों की चारों लैंग्वेज क्लोज अंडर द यूनियन, आल्सो क्लोज अंडर द कॉन्कैटिनेशन, आल्सो क्लोज अंडर द ट्रांसपोज। क्लियर बेटा? कह रहे जो फोर्थ रूल है वो क्या कहता है कि ये जो तीन लैंग्वेज है कौन कौन सी? टाइप जीरो, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड रेगुलर, ये तो इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज होती है बेटा। क्लियर? इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। कॉन्कैटिनेशन एंड इंटरसेक्शन इज क्लियर टू ऑल ना? कॉन्कैटिनेशन क्या होता है बेटा? दो को कंबाइन करना, ठीक है, कॉन्कैटिनेट करना। क्लियर? एंड जो इंटरसेक्शन है इसमें क्या होता है? कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना। क्लियर? करे टाइप जीरो, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड जो रेगुलर लैंग्वेज है, ये तीनों लैंग्वेज जो होती है बेटा वो इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज होती है, लेकिन जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो कभी भी क्लोज नहीं होती अंडर द इंटरसेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द लैंग्वेज। होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द लैंग्वेज। There are four type of language and there are some rules for the language which type of the operations are performed. I again explain, union is performed upon type 0, context sensitive, context free, regular. Type concatenation is performed on all four language. Transpose is performed on all four language. But intersection is performed only on the type 0, context sensitive and regular. बट इट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो बेटा लर्न करने का इजी वे आउट क्या है कि तुम ये याद रखो कि फोर्थ में कि इंटरसेक्शन किस पे नहीं होती, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्लियर बेटा? ये जो ऑपरेशन ऑफ लैंग्वेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उनके लिए जो गेट की तैयारी कर रहे हैं या जो आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि कौन सी लैंग्वेज को क्लोज है किस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द लैंग्वेज। इफ यू अंडरस्टैंड बेटा, लाइक द लेक्चर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो गिव कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू।